बुरहानपुर जिले में पहले मामले में नागरिक शाख सहकारी समिति मर्यादित नेपा नगर पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी से 8 करोड़ से अधिक की राशि वसूली की जाएगी और नेपा नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। दूसरे मामले में फर्जी हस्ताक्षर व सील का उपयोग किए जाने पर अधिवक्ता मुंशी सहित अन्य व्यक्ति पर केस दर्ज की गई है। तीसरे मामले में वित्तीय अनियमितता होने पर तत्कालीन सहायक ग्रेड पर हुई FIR की दर्ज की गई है। मामले की विवेचना जारी है। तो आपको बता दें कि अपना पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नवागत जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल जिले के विकास एवं समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य कर रही है। उनके द्वारा समय समय पर विभागीय कार्य की सूक्ष्मता के साथ समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के दौरान अनियमितता मिलने एवं शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग, राजस्व विभाग तथा सागरता विभाग अंतर्गत संबंधित पर FIR दर्ज करवाई है। किया जा रहा था, उनको आदेशित करने पे उन्होंने सहयोग भी किया है। नागरिक साख सहकारी समिति नेपा नगर के संबंध में है, जिसमें ईमानदारों द्वारा ये शिकायत की गई है कि उनकी अमानत राशि समिति द्वारा वापस नहीं की गई है। इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को आदेशित किया गया था कि वो जांच करे। उनके जांच में समिति द्वारा पूर्व में सहयोग नहीं किया जा रहा था, उनको आदेशित करने पे उन्होंने सहयोग भी किया है और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं और पिछले 5 वर्षों के दस्तावेज को देखते हुए ऑडिट करते हुए जो टीम गठित हुई थी उस टीम के द्वारा जाँच पूर्ण करके कल नेपा नगर थाने में एक FIR दर्ज की है। ये अपराध में ये संज्ञान में आया है कि करीबन 16 लोग हैं जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की थी और 8.5 करोड़ से भी अधिक राशि की इसमें अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर अनियमितता MPB